तो अगर आप, आपके दोस्त या आपके परिवार में से कोई एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करता है तो इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि हो सकता है आपका दिमाग हिल जाए इस वीडियो को देखने के बाद। आज हम करेंगे इस फ्रॉड इंडस्ट्री का सबसे बड़ा खुलासा। एक ऐसी फ्रॉड इंडस्ट्री जिसने करोड़ों लोगों को बेवकूफ बनाया है। इसे फ्रॉड क्यों कहने लग रहा हूं मैं, वीडियो में आपको आगे समझाऊंगा। और करोड़ों लोग क्यों बेवकूफ बनते हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगा। और साथ ही साथ अगर आप उन लोगों में से हैं कि आप कहेंगे कि यार मेरे लिए तो एस्ट्रोलॉजी काम करती है, मैं इस पे विश्वास करता हूं पर्सनली, तो चिंता मत कीजिए। मॉडर्न एज के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, क्या हमको एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करना चाहिए? एक फेमस हिस्टोरियन फ्रांसिस्को गुइचियार्दिनी ने एक बार कहा था, हाउ हैप्पियर आर द एस्ट्रोलॉजर्स व्हेन कंपेयर्ड टू अदर मेन। आम लोगों के कंपैरिजन में इन एस्ट्रोलॉजर्स की लाइफ बड़ी अच्छी होती है। ये लोग 100 झूठ के बीच एक चीज ऐसी बोल देते हैं जो सच निकल जाती है और लोग इन पर विश्वास करने लग जाते हैं। लेकिन एक आम आदमी 100 चीजें सच्ची बोले और एक चीज झूठ निकल जाए तो उसकी सारी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। है नहीं सोचने वाली बात, ऐसा क्यों होता है इसे आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कुछ और बड़ी फर्जी प्रिडिक्शंस देखते हैं। इंडिया के सबसे फेमस एस्ट्रोलॉजर बेजन दारूवाला की COVID-19 को लेकर प्रिडिक्शन, साल 2020 में इन्होंने कहा था कि 15 मई 2020 के बाद कोरोना पूरी तरीके से चला जाएगा या फिर बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाएगा। करीब करीब मई 15 के आसपास ये सब ये डिजीज है, कोरोना कहो कुछ भी कहो, ये बहुत कम हो जाएगा नहीं तो खत्म हो जाएगा। ऐसे ही कई एस्ट्रोलॉजर्स ने कोरोना को लेकर सिमिलर सी प्रिडिक्शंस दी थी। पीक का समय नहीं है, पीक का समय निकल चुका है। 38 मार्च को 30 मार्च को गुरु केतु की युति छोड़ के मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। दैट मींस 30 मार्च के बाद हम सब धीरे धीरे कोरोना वायरस की प्रभाव से मुक्त होते जाए। 19 सितंबर को राहु का प्रवेश वृष राशि में होगा, तो आप ये समझें कि ये जो समस्या है कहीं ना कहीं 19 सितंबर तक की। इतिहास में ऐसी प्रिडिक्शंस हमेशा से चली आई हैं। साल 1499 में एक फेमस जर्मन मैथमेटिशियन और एस्ट्रोलॉजर योहानस स्टेफलर ने प्रिडिक्ट किया था कि 20 फरवरी 1524 को दुनिया खत्म हो जाएगी जब एक बड़ा सा फ्लड आएगा और सब कुछ निगल लेगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक क्रिश्चियन न्यूमरोलॉजिस्ट डेविड मेडे ने प्रिडिक्ट किया था कि 23 सितंबर 2017 को दुनिया खत्म हो जाएगी जब एक हिडन प्लैनेट आकर धरती से टकरा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक अमेरिकन प्रीचर हैरल्ड कैंपिंग ने कहा था कि दुनिया 21 मई 2011 को खत्म हो जाएगी। उन्होंने अपने इस मैसेज को 5000 बिलबोर्ड्स पर जाकर चिपकाया, लेकिन जब ये चीज नहीं हुई तो उन्होंने डेट को आगे पोस्टपोन कर दिया अक्टूबर पर। जब अक्टूबर 2011 में भी दुनिया खत्म नहीं हुई तो उन्होंने सोचा अब मैं अपना मुंह बंद कर लेता हूं और चुपचाप बैठे रहता हूं। लेकिन कमाल की बात यह है दोस्तों कि कुछ लोग इन चीजों को सुनकर इनमें बड़ा विश्वास करने लग जाते हैं। 2009-10 के अराउंड एक बड़ी खबर फैली थी कि जो पुराना मायन कैलेंडर है जो 5125 सालों से चला आ रहा है वो 21 दिसंबर 2012 को खत्म हो जाएगा। तो लोगों ने कहा इस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। रॉयटर्स ने एक ओपिनियन पोल किया था करीब 16000 लोगों का 20 अलग अलग देशों में, और पता चला ओपिनियन पोल में कि 7 में से हर एक इंसान इस पर यकीन कर बैठा था कि हाँ 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी। ऐसे कैसे हो सकता है, क्यों लोग इन चीजों में विश्वास कर बैठते हैं जबकि रियलिटी में देखा जाए इन एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस का 0.1% भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर वेंकट रमन रामाकृष्णन जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था केमिस्ट्री के लिए, उन्होंने क्लियरली कहा था कि स्टार्स और प्लैनेट्स जिस तरीके से भी मूव करें, आसमान में तारे जैसे हिलते रहें, उससे इंसानों की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता है। इस चीज का कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है और दुनिया भर के साइंटिस्ट यही मानते हैं। लेकिन आपको कन्विंस होने के लिए किसी नोबेल प्राइज विनर या साइंटिस्ट की सुनने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 10th क्लास तक ढंग से साइंस पढ़ी है तो आप खुद ही ये चीज सोच सकते हैं। क्या आप जानते हैं कौन सा फोर्स बाकी प्लैनेट्स और सन धरती पर लगाते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना? ऐसे ही चांद भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट करता है धरती पर, जिसकी वजह से ओशन में हमें हाई टाइड्स और लो टाइड्स देखने को मिलते हैं। नोट करने वाली चीज ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स सिंपली एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट्स के मास पर डिपेंड करता है और उनके बीच डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो ये कैसे हो सकता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बताएगा कि आपको अपनी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपको अपने फेवरेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? दूसरी चीज जरा खुद से लॉजिकली सोचकर देखिए, अगर एक रमेश है एक सुरेश है, रमेश जनवरी में पैदा हुआ है, सुरेश जुलाई में पैदा हुआ है, ऐसा हो सकता है क्या सूरज की तरफ से जो ग्रेविटेशनल फोर्स आने लग रहा है वो रमेश पर ज्यादा लगे सुरेश पर कम लगे? कि सूरज वहां से दूर से बैठा बोलकर कहेगा भाई जो जो जनवरी वाले लोग हैं भाई सब लाइन में खड़े हो जाओ यहां पर,
रमेश तू भी आजा, जनवरी वाला है, आज तेरे ऊपर ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाऊंगा मैं। कुछ सेंस बना इस बात का? या फिर वो दूर बैठा मंगल ग्रह है हमारा, वो कहेगा भाई जो जो मार्च में पैदा हुए हो सब आ जाओ, मैं आप सबके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स लेकर आ रहा हूँ जिससे सबको गुड लक मिलेगी। ये लॉजिक सुनकर तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है, साल में कुछ काला नहीं है बल्कि पूरी दाल ही काली है। एक फाइनल ट्रिक यहाँ पर काफी फ्रॉड वाली है जो काफी एस्ट्रोलॉजर्स करते हैं इंडिया में। वो क्या करते हैं, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन पता करने की कोशिश करते हैं कुछ सीक्रेट चैनल्स के थ्रू। श्याम मानव फाउंडर हैं अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सुपरस्टिशन को डिबंक करती है और एस्ट्रोलॉजी के फ्रॉड को एक्सपोज करती है। ये बताते हैं कि अक्सर इंडिया में क्या होता है, जब आप एस्ट्रोलॉजर से मिलने जाते हैं, रिसेप्शनिस्ट को कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो वो इस इन्फॉर्मेशन को लीक कर देते हैं बाबा को, और वो बाबा आपको वही चीज दोहराते हैं, आपको लगता है भाई इन्हें कैसे पता चला। एक बार ये इंदौर गए थे एक बड़े ही फेमस बाबा को डिबंक करने के लिए। वहां बाबा के पास जाने के लिए उन्होंने रिक्शा पकड़ी और रिक्शा वाला जो था वहां पर वो बातचीत करने लग गया आमतौर पर और काफी चीजें पूछने लग गया। श्याम मानव को एकदम से एहसास हुआ कि ये रिक्शा वाला इतनी सारी चीजें क्यों पूछने लग रहा है, तो उन्होंने एक गलत इन्फॉर्मेशन अपने बारे में दे दी। उन्होंने कहा कि वो इंग्लिश प्रोफेसर है नागपुर यूनिवर्सिटी में। उसके बाद जब वो फर्जी बाबा के पास पहुंचे तो वहां से अनाउंसमेंट उन्हें सुनने को मिलती है। और कतार में मुझे खड़े रहना पड़ा, करीबन 250-300 लोग कतार में खड़े थे, मैं खड़ा हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद में 5-7 मिनट के बाद में बाबा जोर से चिल्लाए लाउड स्पीकर, वो नागपुर से, नागपुर यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े इंग्लिश के प्रोफेसर है, वो सामने आओ। तब मैं इंग्लिश का प्रोफेसर तो यूनिवर्सिटी में कभी था ही नहीं। मुझे फट से पता चल गया कि सब जानकारी रिक्शे वाले को जो मैंने दी थी वो बराबर बाबा तक पहुंच गई। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों, इन सारी टेक्निक्स और साइकोलॉजिकल फिनोमेना का इस्तेमाल करके ये सारे एस्ट्रोलॉजर्स आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। करोड़ों लोगों को देश में बेवकूफ बनाया जाता है, ना सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में ये एस्ट्रोलॉजी का स्कैम चलने लग रहा है। अब आप जान चुके हैं सच क्या है, इस वीडियो को जाकर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और परिवार में उन लोगों के साथ जो लोग एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते हैं, और उन्हें एक चीज जरूर कहना कि इस वीडियो को एंड तक देखें। शुरू में उन्हें ऐसा लगे कि मैं कमजोर दिमाग वाली चीजें कहने लग रहा हूं तो पर्सनली ऑफेंड हो जाए वो ये देखकर कि नहीं मेरा कमजोर दिमाग नहीं है तो हमें अक्यूज करने लग रहा है। ये वीडियो उन सारे यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर्स और सेलिब्रिटीज के लिए भी है जो इस बकवास में विश्वास रखते हैं। बेवकूफ बनना बंद करो और बेवकूफ बनाना भी बंद करो। बहुत से यूट्यूबर्स आज के दिन एक्चुअली में इस ट्रेंड में घुसे चले हैं कि उन्हें दिखता है कि इतने सारे लोग एस्ट्रोलॉजी से बेवकूफ ऑलरेडी बन चुके हैं, तो उन्हें सच बताने की जगह वो लोग इसका फायदा उठाते हैं और कहानियां रचते हैं और ऐसे वीडियोस आपको सुनाते हैं भूत प्रेत के बारे में, चुड़ैल के बारे में, एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस के बारे में। आपकी जिंदगी का फ्यूचर दोस्तों सिर्फ आपके हाथों में है। ये बात सच है कि बहुत से एक्सटर्नल सर्कमस्टांसिस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बाहर की दुनिया में क्या होने लग रहा है उससे आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है, लेकिन फिर भी काफी हद तक जो चीजें आपके कंट्रोल में है वो आपके कंट्रोल में है, और काफी हद तक आप अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं। याद रखना ये चीज। वीडियो पसंद आया यहां पर क्लिक करके